हरियाणा के जस हत्याकांड का सच क्या, केस की इन्वेस्टिगेशन, क्राइम सीन का रिक्रिएशन, पुलिस कड़ी कड़ी जोड़ेगी, मर्डर का राज खोलेगी, जस हत्याकांड में परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। हरियाणा के करनाल के गांव कमालपुर रोड़ान में 5 वर्षीय जस की हत्या के मामले में सोमवार को पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस आरोपी महिला अंजलि को भी साथ लेकर गई। इस दौरान एसपी गंगाराम पुनिया खुद टीम के साथ गांव पहुंची, एफएसएल की टीम भी साथ थी। इस दौरान ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। वहीं दूसरी ओर जस के परिजनों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि चाची अंजलि ने उसकी हत्या की। परिजनों ने एक बैठक कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं 14 अप्रैल को 36 बिरादरी के महापंचायत सेक्टर 12 फवारा पार्क में करने का निर्णय लिया। परिजनों का कहना है कि अभी तक पुलिस ने हत्या के कारण का खुलासा नहीं किया। एक नजर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं अब तक क्या क्या हुआ। 5 अप्रैल को जस ट्रॉफी लेने गया था। ट्रॉफी लेने के बाद से नहीं लौटा था घर। तलाशी के बाद भी नहीं लगा था कोई सुराग। एक भिक्षा मांगने वाला हिरासत में लिया गया। 6 अप्रैल को पशु के बाड़े में मिला जस का शव। शक की सुई पुलिस के परिजनों पर गहराई। रिश्ते में लगने वाली ताई समेत कई गिरफ्तार। खेतों को लेकर पहले से चल रहा था विवाद। रिश्ते की चाची को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी चाची 3 दिन की रिमांड पर। पुलिस क्यों नहीं बता रही कारण। जस के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अंजलि को हत्या के आरोप में गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पुलिस हत्या का कारण क्यों नहीं बता रही है। इससे पहले पुलिस कह रही थी कि जस के रिश्ते में लगने वाली ताई, ताऊ और ताऊ की मां ने हत्या कबूल ली। 95% मामला सुलझ गया है, लेकिन 5% में पुलिस ने एकदम हत्या आरोपी अंजलि को बता दिया, जिसका पिछले 3 से 4 दिनों में नाम भी सामने नहीं आया था। ऐसे में उन्हें पुलिस की जांच पर संदेह है। वहीं एसपी करनाल गंगाराम पुनिया का कहना है कि जस की हत्या के मामले में पुलिस हर साक्ष्य जुटा रही है, इसी कारण मौके पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने किसी अन्य आरोपियों को क्लीन चिट नहीं दी है। जांच में जो भी आरोपी सामने आएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मामले की जांच कर 13 अप्रैल को परिजनों को पूरे मामले का खुलासा कर बता दिया जाएगा। अभी आरोपी महिला अंजलि 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। आगे के लिए देखते रहें KNI मीडिया।